नमस्कार दोस्तों, आज मैं 1981 की एक रोमांस ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उस मूवी का नाम है लेडी चैटर्जीज लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक घोड़े की रेस देखते हैं, जिसमें क्लिफोर्ड नाम का एक आदमी उस रेस को जीतता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि क्लिफोर्ड ने पहले कई बार यह रेस जीता था, और ये बात अपनी पत्नी चैटर्जी को खुशखबरी देने के लिए बताता है और कहता है कि इस खुशी में आज रात एक पार्टी होगी। तब पार्टी में क्लिफोर्ड को पता चलता है कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ गया है। अब यह सुनने के बाद क्लिफोर्ड को भी लड़ने जाना है, और अगले दिन वह जंग के लिए चला जाता है। लेकिन उस लड़ाई में उसका किस्मत उनका साथ नहीं देता, और लड़ाई के दौरान वह घायल हो जाता है और उसका आधा शरीर विकलांग हो जाता है। इसलिए वो हमेशा व्हीलचेयर पर रिहाना होता है और चैटर्जी उसकी देखभाल कर रही है। लेकिन अब क्लिफोर्ड से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होने वाला है, और चैटर्जी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता है। कुछ देर बाद एक दिन क्लिफोर्ड ने चैटर्जी से कहता है कि मेरे लिए तुम्हारा जीवन खराब मत करो, मैं तुम्हारा कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ। और ये भी बोलता है कि अगर तुम किसी से पसंद करते हो तो तुम उससे प्यार कर सकते हो और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और वो यह भी कहता है कि यदि तुम्हारा कोई बच्चा है तो मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा। यह सुनकर चैटर्जी कहती है कि ये बकबक बंद करो और कभी नहीं ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहती हूँ, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक नौकर आता है जिसका नाम है ओलिवर। तब क्लिफोर्ड ने ओलिवर से कहता है कि मुझे घर तक छोड़ दो, तो ओलिवर ने क्लिफोर्ड को घर छोड़ने के लिए चला जाता है, और जहाँ चैटर्जी को ओलिवर खूब पसंद आता है। तब चैटर्जी ने ओलिवर के बारे में जाना शुरू करती है, और ओलिवर ने भी चैटर्जी को बार बार देखने के लिए मुड़ता है। फिर एक दिन क्लिफोर्ड का हेल्थ बिगड़ती है तो वह तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर की जगह एक नर्स आती है जिसका नाम है एमेस। जब वो क्लिफोर्ड का इलाज कर रही थी तब बोल्टन भी वहां मौजूद थी। फिर क्लिफोर्ड चैटर्जी से कहता है कि आप जाकर ओलिवर से मिले ताकि पता लगाया जा सके कि अंडे अच्छे हैं या नहीं। और चैटर्जी अनिच्छा से वहां जाती है, और वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि ओलिवर अपना बॉडी को सफाई कर रहा होता है, और बिना कपड़े ओलिवर को देखकर चैटर्जी का मन में कुछ शुरू हो जाती है, और वो बस उसके शरीर को देखती रहती है, और बाद वो उससे मिले बिना चली जाती है। और जब वो घर आती है तब क्लिफोर्ड के पूछने पर वो बताती है कि ओलिवर वहां नहीं था, और अब वो नर्स भी यहां क्लिफोर्ड का इलाज करने के लिए रुकती है। और उस रात में जब चैटर्जी अपने कमरे में सोने जाती है तो वो बार बार ओलिवर के बारे में सोचना शुरू करती है, और वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती थी और उसके ख्यालों में खो जाती है और शुरू हो जाती है। अगले दिन क्लिफोर्ड ने चैटर्जी को फिर से अंडे की तलाश के लिए भेजता है, और जब चैटर्जी ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर ने उससे ठीक से बात नहीं करता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि चैटर्जी उसे चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके बीच कोई अफेयर हो, क्योंकि वो उस घर का कॉमन सर्वेंट है, और इसे जानकर चैटर्जी वहां से चली जाती है। लेकिन अगली बार जब वो ओलिवर से मिलती है तो ओलिवर उसे अपनी रूम की चाबी देता है, और वो चैटर्जी से कहता है कि आप जब चाहे तब पक्षियों को देखने आ सकती है, और उनको पता था कि चैटर्जी आती थी सिर्फ उसको देखने के लिए। हर दिन वो बस ओलिवर को देखना चाहती थी। बाद में वो वहां से अपना काम पे जाने लगता है। एक ऐसा दिन जब वो ओलिवर के पास जाती है, ओलिवर अपनी नई बर्ड्स को दिखाता है, जिसे देखकर वो रोने शुरू हो जाती है, क्योंकि वास्तव में उनके कोई बच्चे नहीं थे, और क्लिफोर्ड की हालत देखकर ऐसा लगता है कि ये आगे भी नहीं होने वाला नहीं है। जब वो रो रही थी तब ओलिवर ने उसके पास आकर उसे सीने से लगा लेता है, और बाद में वो दोनों बहुत करीब होने लगते हैं और दोनों इंटीमेट करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद चैटर्जी को बहुत गिल्टी फील महसूस होती है और वहां से भागने लगती है, और इसे बोल्टन भी देख लेती है, और उसके बाद कई दिनों तक ओलिवर से वह नहीं मिलती है, लेकिन उससे बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि यह गलत है, और दूसरी ओर ओलिवर भी चैटर्जी को देखने के लिए तरस गया, और एक दिन वह चैटर्जी के घर जाता है कि सिर्फ एक बार चैटर्जी को देखने के लिए। लेकिन चैटर्जी वहां नहीं मिलती है, तब इसको बोल्टन ने देख लेती है। कुछ दिन बाद जब चैटर्जी ने अपने घर बाहर बैठी होती है तब ओलिवर उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है। इस पर चैटर्जी उससे कहती है कि नहीं, और उसके बीच कुछ बातचीत होता है। फिर उसके बाद वो उसे जंगल में ले जाता है, और वहां दोनों दूसरी बार इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एक दिन ओलिवर क्लिफोर्ड के घर आता है, जहां चैटर्जी उसे कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तब वहां क्लिफोर्ड आता है, और वह चैटर्जी से पूछता है कि क्या हुआ। अब चैटर्जी कहती है कि मैंने 10 शिकारियों को पकड़ा हूं। तब क्लिफोर्ड को चैटर्जी और ओलिवर पर शक हो जाता है, जो उसका शिकार कर रहे थे। तब क्लिफोर्ड ने ओलिवर को शिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कहता है, और बाद में उसका मन बदलता है और कहता है कि छोड़ दो उसे। तब चैटर्जी बताती कि मैं उन्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर ओलिवर इन दोनों को मारेगा तो, नहीं तो ओलिवर को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी।
तब ओलिवर के पास कोई जवाब नहीं होता और न चाहते हुए भी दोनों को वह मारता है। उसके बाद एक दिन जब चैटली ओलिवर से मिलने जाती है तो वो ओलिवर से कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तब ओलिवर पूछता है कि अगर क्लिफर्ड को पता चलेगा तो क्या होगा। तब फिर चैटली उसे बताती है कि मैंने उससे बात की हूँ और वो भी एक बच्चा और एक वारिस चाहता है। फिर ओलिवर पूछता है क्या वो हमारे बारे में जानता है। तब चैटली यह कहते हैं कि मुझे पता है कि जब उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अब ओलिवर बच्चे देने के लिए मानता है और वो चैटली से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक रात मेरे साथ मेरी कॉटेज में बिताए, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तब बोल्टन ने इनको देख लेती है और वो समझती है कि चैटली और ओलिवर के बीच अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद चैटली ने ओलिवर से मिलती रहती है और वो ओलिवर से कहती है कि मैं तुम्हारी कॉटेज में एक रात बिताऊंगी और मुझे बच्चे चाहिए और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं क्लिफोर्ड को नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। और वो यह भी कहती है कि वो जानता है कि मुझे तो कुछ चाहिए और वो मैं ले सकती हूँ। बाद में ओलिवर उससे कहता है कि अगर तुम उसको मेरे बारे में बताओगे तो तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, और कहता है कि मैं एक नौकर हूँ और वो कभी नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा उसकी वारिस। तब चैटली ने घर चली जाती है। तब क्लिफोर्ड ने चैटली को आते हुए देखता है। तब चैटली ने पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। लेकिन असल में वो जानता था कि वो चैटली और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। बाद में वो उसका इंसल्ट करने के लिए ओलिवर के पास जाता है, लेकिन ओलिवर ने क्लिफोर्ड के घर के पास आ रहा होता है। तब क्लिफोर्ड ने जानबूझकर अपनी व्हीलचेयर को कीचड़ में फेंक देता है। फिर चैटली को बुलाता उसका मदद करने के लिए और वह चैटली को बोलता है कि तुम इस तरह धक्का दो, लेकिन वह चैटली पर कीचड़ उछालता है और उसके बाद वह ओलिवर को बुलाता है और उसके साथ भी ऐसा ही करता है और उन दोनों को अपमान करता है। और उस रात जब क्लिफोर्ड सो जाने के बाद चैटली ने ओलिवर के पास जाती है और वो दोनों एक ही कमरे में चले जाते हैं, जहां दोनों फिर इंटीमेट होते हैं और इधर क्लिफोर्ड को सो रहा होता है। तब वो महसूस करता है वो चैटली घर पर नहीं है और वो किसी तरह चैटली के कमरे में पहुंचता है, जहां वो देखता है वो चैटली अपने कमरे में नहीं है। और जब सुबह हो रहा था तब देखता है चैटली घर आ रही है। तब चैटली उससे कहती है कि तुमने ही बोला था कि तुम एक आदमी को पसंद कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये सब किया था। तब क्लिफोर्ड कहते हैं हाँ मैंने बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था कि मेरा घर का सर्वेंट से ये सब कुछ करने के लिए और एक सर्वेंट से प्रेग्नेंट होने की जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद क्लिफोर्ड ने चैटली को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को काम से निकाल देता है। और जब चैटली अपनी बहन के साथ वेनिस में होती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो तुरंत क्लिफोर्ड के पास लौट जाती है। और तब उसे पता चलता है कि क्लिफोर्ड ने ओलिवर को नौकरी से निकाल दिया है और वो उसे ढूंढने चली जाती है। और वो ओलिवर को ढूंढती है और वो ओलिवर से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने जा रही है और वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन ओलिवर उसे बताता है कि आपके पास एक बच्चा और एक वारिस है और तुम अपने घर जाओ, लेकिन चैटली उसकी नहीं सुनती है। वो कहती है कि हम आपके खेतों से अपने जीवन प्रारंभ कर सकते हैं और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तब ओलिवर उसके बातों को स्वीकार करता है, साथ में रहे के लिए मानता है और फिल्म यहीं खत्म होती है।